नमस्कार दोस्तों, सैरिसी टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। और मैं आज के पार्ट में हम दोस्तों देख रहे हैं OER क्या है। OER से रिलेटेड बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा है, SSC के है, रेलवे का है। तो आज हम वो सारा कवर करेंगे जिससे आपको ये कम्प्लीट समझ आ जाए और आप उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आते हैं उनके उत्तर दे सकें। आप रिसोर्स यानी संसाधन होते हैं एजुकेशन के, जो रिसोर्सेज जो ओपन हो, सबके लिए बराबर हो, वो होते हैं ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, मुक्त शैक्षणिक संसाधन, हिंदी में आप कह सकते हैं इसको। OER टर्म जो है सबसे पहले अडॉप्ट हुई थी UNESCO के 2002 के फोरम पे, हायर एजुकेशन पे उसका क्या इम्पैक्ट है इसके बारे में वो फोरम था। तो ओपन कोर्सवेयर हायर एजुकेशन का डेवलपिंग कंट्रीज में फंड किया था किसने? ह्यूलेट फाउंडेशन ने। ये सिंपल सी एक बात हो गई। उसके बाद हम चलते हैं कि डेफिनेशन क्या है OER की। जैसे ऑनलाइन आप यूट्यूब पे अभी पढ़ रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ओपन है, फ्री है, या ऑनलाइन आपको वीडियोस मिल जाते हैं, या ऑनलाइन आपको टेक्स्ट बुक मिल जाती हैं, या किसी लाइब्रेरी में आपको सब कुछ फ्री बुक्स वगैरह मिल जाती हैं, ऐसा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जो मटेरियल आपको फ्री मिल जाए, उस मटेरियल को एक्चुअली बोलते हैं OER। ध्यान रखना, OER कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, OER कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, OER कोई संस्था नहीं है। तो OER है मतलब वो मटेरियल तो लोगों को ओपनली मिल जाए, एजुकेटर्स को स्टडी मटेरियल, एजुकेटर्स को, स्टूडेंट्स को, जो सेल्फ लर्नर हैं यानी खुद अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको फ्री मिल जाए, ओपन मिल जाए, वो OER है। पढ़ाने के काम में ले सकते हैं स्कूल वगैरह में, या खुद के पढ़ने के काम में ले सकते हैं, या उस मटेरियल को किसी रिसर्च के काम में ले सकते हैं। सबसे साधारण डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको, जो लर्निंग मटेरियल पब्लिकली अवेलेबल हो वो OER है। वैसे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा शायद आपको। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, क्विज, क्रॉसवर्ड्स, पजल्स, फ्लैश कार्ड्स, एनिमेशंस, ऑडियो, वीडियो, लेक्चर्स, इमेजेस, साउंड, म्यूजिक, टेक्स्ट बुक्स, कोई पूरा एंटायर कोर्स और कंटेंट किसी का, जैसे मान लो आप एक ओपन यूनिवर्सिटी है, जैसे कोटा खुला ओपन विश्वविद्यालय, या फिर उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन ओपन विश्वविद्यालय, तो ऐसे उनका पूरा कोर्स, एकदम एंटायर कंटेंट उनका, जर्नल्स, आर्टिकल्स, ये सारी चीजें ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं, यानी OER हैं। ह्यूलेट फाउंडेशन, ह्यूलेट एंड एंड्रू डब्ल्यू मेलन फाउंडेशन जॉइंटली फाउंडेड, MIT ओपन कोर्सवेयर फंड किया उसको, पहला इंस्टीट्यूशन था लगभग MIT ओपन कोर्सवेयर फ्रीली मटेरियल अवेलेबल करवाता था। और उसके बाद से बहुत सारी वेबसाइट और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने ऐसा कोर्सवेयर लॉन्च किया, जैसे कि मान लो मैंने भी ये किया हुआ है, ठीक है। यूट्यूब पे चैनल कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का पूरा ट्यूटोरियल है यहाँ पे, ओपन कोर्सवेयर हो गया ना। ये नीचे वेबसाइट्स और इंस्टीट्यूशंस के नाम सिर्फ इसलिए मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखे हुए हैं, ये कोई आपको याद नहीं करने, इनको ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे इसके प्रति, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए लिख रखे हैं कि तो आप एग्जाम्पल्स इनसे समझ पाओ कि हाँ ऐसे वेबसाइट और इंस्टीट्यूशंस स्टार्ट हुए। तो ये तो विदेशों में स्टार्ट हुए, हम अपने भी देख लेते हैं। OER, सम OER प्रोवाइडर्स इन भारत, UGC आप जानते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, भारत सरकार का है, बहुत सारा कोर्स मटेरियल वो फ्री में प्रोवाइड करवाता है, ओपन है एकदम। जैसे बताया UP राष्ट्रीय टंडन ओपन विश्वविद्यालय है, विद्यानिधि, मैंने यहाँ URL डाल रखा है, बाकी इनकी URL डाले नहीं है, बहुत सारा मटेरियल हो जाता, आप URL विद्यानिधि लिख के नेट पे आप सर्च कर सकते हो। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर का था और डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्चेस से सपोर्टेड था। स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च SCERT UP का है, NCERT भारत का है, विज्ञान प्रसार डिजिटल लाइब्रेरी है, ये विज्ञान प्रसार नोएडा के इनिशिएटेड बाई है, ई ज्ञान कोश है, ई ग्रिड है, बृहस्पति नाम से है लर्निंग प्लेटफॉर्म, ओपन एक्सेस जर्नल्स हैं, इनको क्या कहा जाता है कभी कभी, गोल्ड रोड टू ओपन एक्सेस, ओपन एक्सेस के लिए एकदम स्वर्णिम पथ है, रिसर्च वगैरह में कर सकते हो यूज वहाँ का मटेरियल, एकलव्य नाम से है। ऐसे भारत के भी बहुत सारे OER प्रोवाइडर्स हैं। अब OER के देखिए लाभ और उसकी हानियां हम देख लेते हैं। जब आप इतनी चीज समझ गए होगे तो OER के बेनिफिट समझ सकते हो। सिर्फ बुक्स से पे डिपेंड ना रह के एजुकेशनल इनोवेशन बढ़ाता है। OER रिप्लेसेस टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, जो हमारे टीचिंग के लर्निंग के रिसोर्स थे, इसको हिंदी में लिखा जा सकता है शिक्षण अधिगम सामग्री, अधिगम यानी लर्निंग। जैसे टीचर हमें पढ़ाता था वो क्या रिसोर्स यूज करता था,
वो टेक्स्ट बुक लेके पढ़ाता था, ब्लैक बोर्ड लेता था, मैप लेता था, चार्ट लेता था, इन चीजों के यूज से हमें पढ़ाता था। और ओईआर क्या कर रहा है, इनको रिप्लेस कर रहा है। लोअर कास्ट ऑफ कोर्स मटेरियल बहुत कम पैसे में या फ्री में मिल जाता है, इजी टू एक्सेस, वो आराम से डाउनलोड कर सकते हो या उस इंस्टीट्यूट में जाके ले सकते हो और उनको शेयर करो आराम से। जैसे हमारे वीडियोस हैं, आप आराम से देखो और उनको शेयर करो, फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं भी। ओईआर के कॉन्सेप्ट को वो ग्रोथ कौन कर रहा है, इंटरनेट। अगर इंटरनेट ना होता तो ओईआर का कॉन्सेप्ट ग्रोथ नहीं होता। इंटरनेट के कारण ओपन रिसोर्सेस फैल रहे हैं ना। ओपन रिसोर्स ओपन कैसे हो पाता अगर इंटरनेट ना होता, फिर तो हमें जाके और वो इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता, लेना पड़ता, मेल से मंगाना पड़ता, जैसे अपन ओपन यूनिवर्सिटीज से मंगाते हैं मटेरियल। उसके बाद कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, वो देख सकते हैं आप। ओईआर जो आपको मिल रहा है मटेरियल, वो जरूरी नहीं है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा रिलायबल हो। हो सकता है आपको ऐसे भी चैनल्स, ऐसे भी वीडियोज मिले जिनमें अच्छा आपको ऑथेंटिकेटेड डेटा ना मिले। इंटरनेट पर जो डेटा मिलता है जरूरी नहीं कि वो सही हो। रिलायबिलिटी में थोड़ा एक इशू है वो यार का। नो कॉमन स्टैंडर्ड फॉर रिव्यू। गवर्नमेंट का किसी का कोई सिलेबस होता है, कोई बुक होती है, तो उसके लिए एक बॉडी निर्धारित होती है। बहुत पढ़े लिखे 10-20 इंटेलेक्चुअल लोग बैठते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि कोर्स क्या हो, पर यहाँ पे स्टैंडर्ड को चेक करने के लिए कोई बॉडी नहीं है। तो कंटेंट की जो एक्यूरेसी है वो चेक करनी पड़ती है हमें। आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड डेटा डाल रहा हूँ, तो आप मेरे और वीडियोस देखें, उनसे पता लग सकता है कि हाँ भाई, मेरी आप प्रोफाइल देख सकते हैं कि मैं हूँ कौन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तब मैं ये डाल रहा हूँ, तब आप समझ सकते हैं कि हाँ, ये बंदा ठीक है, इसका ऑथेंटिकेटेड होगा। तो ये चेक करना जरूरी होता है कंटेंट किसका है। कस्टमाइजेशन नेसेसरी। कस्टमाइजेशन यानी सिलेबस में जो बदलाव भी नेसेसरी है, जो यहाँ पे नहीं हो पाता है कई बार। डिलीवरी टूल कौन सा है, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब के थ्रू आपको वो ओईआर मिल रहा है, या आपको कहाँ से ओईआर मिल रहा है, उसमें भी कुछ भेदभाव हो सकता है कि वो कैसे वो बदलाव कर सकते हैं या फिर चेंजेस हो सकते हैं उसमें। तो ये कुछ हानियाँ भी हैं, लाभ और हानियाँ भी पूछी जा सकती हैं। तो दोस्तों, आशा रखता हूँ कि आपको ओईआर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आप कमेंट करें, मैं उनके आंसर दूंगा। और गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से करें, बेस्ट ऑफ लक। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।